किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, लोम सी की बहुत अच्छी डिमांड हो चुकी है और बहुत अच्छा फायदा लोगों को मिल रहा है। हमारे को कंपनी की तरफ से ये 40 ml का पैक मिला हुआ है कि जो हमारा लोकल एरिया है वहाँ पे जो किसान आकर के हमारे पास से सैंपल लेना चाहें वो आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, मैं 2 टंकी का हमारे डॉक्टर साहब ने बताया हुआ है कि 2 टंकी का आप किसी भी किसान को इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए और वो यूज़ करें। यूज़ करने के बाद जब विश्वास हो तब इसको खरीदें। इसका फ़ायदा और नुकसान देखें कि क्या इसका फ़ायदा है और क्या नुकसान है, कितना पैसा हमको पड़ता है, क्योंकि आज के समय में हम रासायनिक दवाओं का सेवन करके अपने आप को, मतलब किसान अपने आप को कंगाल करता जा रहा है। बैंगन की खेती में अगर 1 एकड़ की खेती है तो महीने में कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपए तक दवा में उसका जा रहा है। किसान भाइयों, सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अगर हम इसको यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये 2400 रुपए का है, अगर ये 400 लीटर पानी में, आप देखिए 400 लीटर मैंने यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये 4 लीटर पानी है, तो ये 4000 लीटर के लिए पर्याप्त है। 4000 लीटर में 267 टंकी ये दवा बनती है, 267 टंकी के लिए। अब आप जोड़िएगा कि 2400 रुपए में अगर 267 टंकी बनती है तो कितने का ये एक टंकी पड़ती है? मेरे हिसाब से समथिंग अबाउट 8 रुपए के हिसाब से ये टंकी पड़ती है, इसकी 8 रुपए से कम पड़ता है ये। तो एक टंकी की दवा अगर 8 रुपए पड़ती है दोस्तों, तो आप ये सोच के चलिए कि अगर हम एक बैंगन में इसका हर तीसरे दिन में छिड़काव करने की बात करता हूँ, हर तीसरे दिन 1 एकड़ में 6 टंकी लगती है, 150 रुपये उसकी अगर हम छिड़कवाई रख लें, अगर किसान स्वयं छिड़कता है तो कोई बात ही नहीं है, 150 रुपये उसकी छिड़कवाई रख लीजिए और 60 रुपये इसकी जो है, अड़तालीस रुपये जो है इसका खर्च, मतलब 200 रुपये पर डे का रखिए तो 6000 रुपये महीना फिर भी आता है और आपको एक रोग एक कीट से बचाव करने के लिए सोचने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है यहीं से। और इसको जब आप डालते हैं तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग, जैसे कि आपने पहले हमारे पारस राणा सर की वीडियो देखी कि उन्होंने मोरिंगा में इसको डाला था और जो पौधों में नहीं डाला उसमें फ्लावरिंग नहीं आई, और इस समय फ्लावरिंग आने का मतलब है कि मोरिंगा अगर फल देता है और उसमें से फल आ जाता है तो किसान भाई 100 रुपये किलो तोड़ सकते हैं, और एक मोरिंगा के पेड़ में कम से कम जो पेड़ दिखा है 10 किलो तक उसमें मोरिंगा आता है, मतलब इस मोरिंगा के पेड़ में 1000 रुपए आप कमा सकते हैं केवल इस लोमसी के द्वारा। समय से पहले फूल लेना, समय से पहले फल लेना, अच्छी ग्रोथ लेना, बिना किसी कीड़े के, बिना किसी मतलब इंसेक्टिसाइड के, बिना किसी पेस्टिसाइड के आप अगर फसल कर लेते हैं तो इससे बढ़िया विकल्प कोई भी नहीं है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। ये आप नजदीक से देखिए दोस्तों, ये है लोमसी स्ट्रॉन्ग 40 ml। अब इसको मैं बनाने की प्रक्रिया बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से थोड़ा सा पानी देखिए निकाल लेता हूँ दोस्तों। ये क्यों निकाला पानी मैं आपको बताता हूँ, ये पाउच है, बड़ा कीमती है मेरे भाई, इसको अगर काटते हैं तो इसको ध्यान से काटिएगा, जो काफ़ी लोगों का गिर जाता है, बहरहाल कोई बात नहीं, गिर भी जाता तो उसको बचा लेना है अपने आपको। ये देखिए ये मैंने डाला यहाँ। अब ये आपने कहा कि सोचा होगा कि ये पानी मैंने क्यों निकाला है, मैं दिखाता हूँ आपको क्यों निकाला। आप कितना भी कर लीजिए इसका पूरा पानी इसका नहीं निकलेगा, देखिए बूंद बूंद ऐसे गिरता रहता है, इसकी एक बूंद की कीमत है सर, एक बूंद की। अब चलिए इसको मैं यहाँ से ऐसे काट देता हूँ, थोड़ा मुँह बड़ा कर दिया मैंने, अब ये हो गया इतना बड़ा, और यहाँ पर मैं इसको पानी को अब डालता हूँ, ये पानी आ गया इसमें। अब इसको आप थोड़ा सा हिला लीजिए इधर उधर करके, तो जो है आपका जितनी भी ये खाद है ये मिल जाएगी। आप देखिए ये हमने यहाँ पे डाल दिया, डालने के बाद में इसको फुल टाइट करना, बंद कर देना यहाँ पे। अगर दूर भेजना है दोस्तों, अगर कोई डेमो करके आप किसी दूसरे को देते हो, किसी पाउच में किसी सीसी में ले जाना हो 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद, तो मात्र इसको आपको केवल एक बार सेक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ लोकल दे रहे हैं, हमको लोकल ही देना है, तो हम इसको 20 बार सेक करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसको आप रख लीजिए श्रीमान, 5 साल तक आप रख सकते हैं इसको, धूप में मत रखिएगा क्योंकि धूप में बड़े बड़े खराब हो जाते हैं, तो दवा है। इसको लीजिए 1 ml पर लीटर इस्तेमाल करिए। यहाँ पे हमारे कुछ किसान भाई मिर्च के लिए, बैंगन के लिए कहते हैं, तो बैंगन में या मिर्च में आप शुरुआत में 1.5 ml तक आप कर सकते हैं,
डेढ़ से दो एमएल भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। गर्मी में ये नुकसान कर सकता है अगर आपने ज़्यादा डाल डोज दिया है। शाम हो जाए, धूप ना रहे, क्योंकि इसको आधे से पौना घंटा तक इस दवा को पेड़ पे होना चाहिए। जो ये रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न करती है उसके लिए इसको आधे घंटे से लेकर के पौना घंटा तक होना चाहिए। और इसके अंदर जो पौधे के अंदर हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, जिनको हमारे स्पेशली कीड़े खाने के लिए आते हैं, ये टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है और एक ऐसा रसायन इसमें पैदा करता है कि कोई भी कीट आपके ऊपर पौधे पे उड़ता तो जरूर रहेगा, उड़ता रहेगा, आप खेत में देखिएगा आपको उड़ता रहेगा, लेकिन एक पत्ती जो है कहीं कटी हुई नज़र आ जाए तो बताइएगा, कहीं फूल आपका ना उड़ता नज़र आ जाए बताइएगा, फल मक्खी तक पे भी बहुत बढ़िया काम करता है। अब इस पर एक चीज़ और बता दूँ, हमने प्याज लगाई थी, बंदर मतलब हनुमान जी हमारे जो है उसको उखाड़ के खा जाया करते थे, हमने इसका छिड़काव कर दिया। हमें डॉक्टर राजेंद्र सर ने बताया कि जेपी जी इसको आप ट्राई करिए, अगर बंदर आते हैं तो हो सकता है कि ना करें, तो हो नहीं सकता है बंदर, फिर उसके बाद से उसको उखाड़ना बंद कर दिए और हमारा जो है फसल बहुत अच्छा रहा। दोस्तों हमने आपको टोटल जानकारी इसकी दी है और इसके बारे में मैं आपको और बताऊं, चाहे जो जिस फसल में आप इसको इस्तेमाल करें, हर फसल में, पेड़ पौधों की बात करता हूं मैं, जिन्होंने आम पे इस बार दो से तीन बार इस्तेमाल किया था, एक गुजरात के हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसको 10 पैकेट मुझसे मंगाया था, मैंने एक पैकेट उनको फ्री भी दिया था गिफ्ट में, जो कंपनी का रूल भी है, तो वो उन्होंने बताया कि सर मैंने बाग जो बेची थी और मुझे पछताना पड़ा कि क्यों मैं हर साल उसकी जो कीमत फिक्स थी कि उस कीमत में बेचता था, लेकिन जो मेरे आम की साइज और आम की जो क्वांटिटी आई थी और जो चमक आया था वो पिछले कई सालों से नहीं रही, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ डाली थी। तो दोस्तों उनका भी वीडियो मैं डाल सकता था लेकिन वो बुजुर्ग हैं, वो वीडियो नहीं भेज पाए हैं और मेरा गुजरात जाना संभव नहीं है, ठीक है। तो किसान भाइयों अगर आपको चाहिए तो आपका नंबर चल रहा है, इस पर आप कॉल करिए, इस पर व्हाट्सएप करिए, इसी नंबर पे आप फोन पे करें और आप डायरेक्टली मंगा लें, कोई टेंशन नहीं है। आप अपना एड्रेस फोन पे का स्क्रीनशॉट भेजिए, नीचे लिखिए होम से स्ट्रॉन्ग। किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जो भी बात आपको ना समझ में आए कमेंट में करिए, कमेंट में लिखिए, या आप हमको फ़ोन करके बात कर सकते हैं, हम बहुत आसानी से आपको सुलभ हैं दोस्तों, हम किसान हैं, हम यूट्यूबर की तरह आपका फ़ोन नहीं उठाने वाली गलती नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हमसे, आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी वीडियो के साथ में, नमस्कार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान।